नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं लर्न टेक्निकल एनालिसिस बाय घनश्याम टेक। दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले यानी लास्ट फ्राइडे को मैंने एक स्ट्रेटजी डाली थी, जिस स्ट्रेटजी पे मैं प्रैक्टिस कर करके मैंने अपने जॉब को क्विट किया था। तो उसका ये सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट देखने के पहले अगर आप फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, और सपोर्ट रेजिस्टेंस की मैंने जो वीडियो बनाई है उस वीडियो को भी आप लोग जा करके देख लीजिए, तभी चीजें यहाँ पे आप लोग को क्लियर होंगी। नहीं तो यहाँ पे स्ट्रेटजी का कोई पार्ट आपको समझ में आएगा, कुछ पार्ट आपको समझ में यहाँ पे नहीं आएगा। तो उस स्ट्रेटजी को मैं आपको चार्ट पे ले चलता हूँ, चार्ट पे लेकर के सारी चीजें वन बाय वन आपको बताता हूं। लेकिन ध्यान रखना ये चीजों कि इस चीजों पे आपको कम से कम 4 से 6 महीने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने एक दो दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा और आप यहां पे सक्सेस हासिल कर लोगे। कंटिन्यू जब तक आप स्टॉक के कैरेक्टर को नहीं पहचान पाओगे, स्टॉक्स को आप नहीं समझोगे, अपने आप को आप नहीं समझोगे, तब तक यहां से किसी भी स्ट्रेटजी से पैसा बनाना मुश्किल है। सिर्फ स्ट्रेटजी से पैसा नहीं बनता, स्ट्रेटजी के साथ में आपकी डिसिप्लिन, आपका माइंड सेट, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, आपका रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होके एक स्ट्रेटजी बनती है। जब तक आप इन सारी चीजों को अपनी स्ट्रेटजीज में, अपने ट्रेडिंग रूल्स में इन्वॉल्व नहीं करोगे, तब तक आप यहाँ पे सक्सेस हासिल नहीं कर सकते हो। तो नेक्स्ट मंडे से आपको इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। कंटिन्यू आप इसको 1 महीने फॉलो कीजिए, 1 महीने में कम से कम इस पे आपके 50 से 60 ट्रेड लीजिए और फिर आप एनालिसिस कीजिए कि इसमें क्या गलत है, क्या सही हो रहा। पहले 50 या 60 ट्रेड आप सही जगह पे लेना स्टार्ट नहीं कर दोगे, ना सही जगह पे आप निकल पाओगे। तो चीजों को धीरे धीरे, जैसे जैसे आपके पास एक्सपीरियंस होगा, सारी चीजें आप समझ जाओगे कि कौन सा स्टॉक किस तरह की मूवमेंट करता है, तो उस हिसाब से आपको ट्रेडिंग डिसीजन लेने में इस स्ट्रेटजी में आसानी होगी। तो स्ट्रेटजी को कंटिन्यू देखिए, इसको फॉलो कीजिए। चलिए मैं आपको चार्ट पे ले चलता हूं, यहां पे लेकर सारी चीजें आप लोग को समझाता हूं, बताता हूं, फिर आप इसको मंडे से फॉलो कीजिए। लेकिन फिर से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जरूर देख जाके देख लीजिएगा। अगर आप वो वीडियो नहीं देखते हैं तो बहुत सारी चीजें इसमें से मिस हो जाएंगी और आप गलत ट्रेड जाके लोगे। तो अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो का लिंक नहीं मिला तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो वहां से जाके भी आप देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं चार्ट पे। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे चार्ट लगा के रखा है, मैंने चार्ट यहाँ पे लगा के, पहले मैं आपको कंडीशन समझाता हूँ, फिर से एक बार चीजों को समझ लीजिए। आपको पहले मैंने क्या बताया, बहुत सारे लोग इसी जगह पे कंफ्यूज हैं कि पहले मैंने ये बोला है कि पहली एक कैंडल 15 मिनट की, यानी 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमारा क्या है, 15 मिनट का है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे पहली जो एक कैंडल बनी है, ये फर्स्ट कैंडल जो बनेगी 9:15 से लेकर 9:30 तक, उसके बाद हमें आगे की 5 कैंडल 1 2 3 4 5 आगे की 5 कैंडल इस कैंडल के अंदर में ही बनना कंपलसरी है। उसके बाद वो 6 बनती है, 7 8 9 10 11 12 कभी भी बन जाए। 2 बजे के पहले ट्रेड होगा तो हम ट्रेड करेंगे, 2 बजे के बाद ट्रेड होगा तो हम उस ट्रेड को नहीं लेंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्या मैंने बोला कि यहाँ पे पहली कैंडल बनेगी और पहली कैंडल के अंदर में आगे की 5 कैंडलें बनेंगी, यानी आगे की 5 कैंडल 1 2 3 4 5 पांच कैंडल के बाद 6 भी बन सकती है, 7 भी बन सकती है, 8 भी बन सकती है, लेकिन 5 से कम बनेगी तब हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि ये ध्यान रखना है कि डेली चार्ट पे स्टॉक किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास ना ट्रेड कर रहा हो। क्या हो रहा हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए कि हम कब सपोर्ट या रेजिस्टेंस मानते हैं। तो यहाँ पे ये स्टॉक क्या है, ट्रेंड में है, यानी ये स्टॉक अप ट्रेंड में है यहाँ पे, और यहाँ पे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये देखिए 2 दिन के सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे एक लंबा सपोर्ट रेजिस्टेंस, या फिर ये जो एक ही जगह पे अगर ये 7-8 दिन भी ट्रेड करते रह जाएगा तो भी हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे। तो यहां पे ये स्टॉक क्या है, यहां से निकला, देखिए 451 से निकला, 451 से लेके हम ट्रेंड में है, 499 तक गया, अभी हम यहां पे एक ट्रेंड में है। तो यहां पे ये कैंडल बनी, ठीक है। अब यहां पे हमने देखा कि 15 मिनट की कैंडल पे ये सेटअप बन गया हमारा। यहाँ पे सबसे तीसरा पार्ट जो इम्पोर्टेंट, जो तीसरा रूल इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि पहली कैंडल सबसे छोटी होनी चाहिए। मान लीजिए आपके स्टॉक सिलेक्शन में यहाँ पे 13 स्टॉक्स 14 स्टॉक्स या 15 स्टॉक्स अगर निकल के आते हैं तो ये ध्यान रखना है कि जो हमारी पहली कैंडल है ये सबसे छोटी जिसमें होगी हम उसको ट्रेड करेंगे। अब मान लीजिए कई में ये क्या होता है, 3% की, देखिए मतलब 3%, 4%, 5% के, तो ये ध्यान रखिएगा अगर 1.5% से भी छोटी, मान लीजिए आप उस तीन, आपको पहली बात तो सेलेक्ट करने हैं 3 स्टॉक, तो आपको 3 स्टॉक सेलेक्ट करने हैं, 3 स्टॉक में वो 3 स्टॉक सेलेक्ट करने हैं जो आपकी वॉच लिस्ट में सबसे छोटी कैंडल बनी हो। सबसे छोटी कैंडल का मतलब ये होगा कि परसेंटेज वाइज, मान लीजिए कभी क्या होगा कोई कैंडल 2% की बनी होगी, कोई 3% की बनी होगी, कोई 5% की बनी होगी, तो हमें जो सबसे छोटी कैंडल बनी है परसेंटेज वाइज
वाइज उसको हमें सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन मैंने क्या बताई कि 50, देखो चीजों को समझ लो, मैं एक ही बार दो बार तीन बार रिपीट इसलिए करता हूँ कि आप लोग को चीजें हैमर हो जाए, यानी आपके दिमाग में चीजों पूरी तरह से, मैं एक ही बात को दो बार तीन बार इसलिए रिपीट करता हूँ कि आपको चीजें पूरी अच्छी तरह से, देखिए मैं एक ही बात को दो बार तीन बार रिपीट करता हूँ कि आपको जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो पूरी अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आ जाए, तभी आप इसको ट्रेड करें। पहली कंडीशन हमारी क्या है? पहली कंडीशन ये है कि स्टॉक्स क्या हो, पहली कैंडल जो बनी है 15 मिनट की, ऐसा स्टॉक सेलेक्ट करना है जिसकी पहली 15 मिनट की कैंडल के अंदर में आगे की पांच कैंडलें बने हो, उसके आगे 6, 7, 8, 9 बनता है कोई दिक्कत नहीं है, जितना ज्यादा बनेगा उतना अच्छा है। सेकेंड ये है कि स्टॉक्स किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास ना हो। सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आपको नहीं आता है तो पिछली वीडियो जाके देख लीजिए सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली, जिससे आपको वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। तीसरी चीज ये है कि स्टॉक्स, वो ही स्टॉक सेलेक्ट करना है जिसकी 15 मिनट की कैंडल परसेंटेज वाइज सबसे छोटी हो, यानी आपकी वॉचलिस्ट में 100 स्टॉक्स अगर आपने डाले, मिनिमम 100 स्टॉक्स तो आप डाल ही लो अपनी वॉचलिस्ट में, 100 स्टॉक्स में से उन स्टॉक को सेलेक्ट करना, उस तीन स्टॉक को सेलेक्ट करना है जिसकी जो रेंज है वो सबसे छोटी रेंज है। तीसरी चीज आपको, चौथी चीज आपको तीन स्टॉक सेलेक्ट करने हैं और तीनों में ट्रेड करते हैं। अगर तीनों में ट्रेड बना है तो हमें तीनों में ही ट्रेड करना है। तो ये चार कंपलसरी रूल है जिसको आपको फॉलो करना है, तभी ये स्ट्रेटजी आपके लिए वर्क करेगी। उसके साथ में डिसिप्लिन, माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब आपको मैनेज ही करना है। अब क्या करना है, अब ये कैंडल बन गई पहली कैंडल, तो पहली कैंडल के जब हाई को ब्रेक करेगा, यानी पहली कैंडल का हाई क्या है, ये है, ठीक है, पहली कैंडल का लो क्या है हमारा, ये है, तो पहली कैंडल के हाई या लो जिस साइड में ब्रेक करेगा हम उस साइड में इस ट्रेड को ले लेंगे। तो यहाँ पे इसने क्या ब्रेक किया है, लो को ब्रेक किया, तो जैसे ही लो को ब्रेक करेगा हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि हमारा जो लो है वो है 90.2 का, तो हम यहाँ पे जो ट्रेड लेंगे वो 90 के नीचे लेंगे, यानी 89.9 पे हमारा यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। अब इस कंडीशन में जो हमारा एसएल होगा वो पिछला स्विंग हाई, कई लोग एसएल में कंफ्यूज थे, तो हमारा ये एसएल होगा, ना कि हमारा एसएल ये नहीं हो रहा, हमारा एसएल यहाँ पे ये हो रहा। तो हमने ट्रेड कहाँ पे लिया है, लगभग 90 पे, हमारा एसएल कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे 94 का, तो यहाँ पे हमारा एसएल बन रहा है 4 रुपए का। अब यहाँ से हमें ये ट्रेड, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है ना, तो जैसे ही हम इसको ब्रेक करें उसके बाद जो स्विंग हाई है, आप स्टॉप लॉस को धीरे 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 दो कैंडल के पहले लाते जाओ। मोमेंटम आपको मिलना होगा तो दो तीन कैंडलों में ही आपको मोमेंटम मिल जाएगा, नहीं तो ये वापस ऊपर की तरफ शायद निकल जाए, या यदि एक रेंज बना के घूमने लगे। तो आपको सबसे अच्छी सिचुएशन है कि जैसे ही हमारे रेंज को ब्रेक करता है, एक कैंडल अगर उसके नीचे बन गई, तो उसके बाद आप क्या करो, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओ, और जहां आपको लगता है एक डिसेंट प्रॉफिट आपके लिए हो रहा उस प्रॉफिट को ले लो। जनरली क्या करना पड़ता है, पहला जो टारगेट रखना पड़ता है वो 0.7% स्टॉक की प्राइस का, 0.7%, यानी स्टॉक्स अगर 5 रुपए का है तो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो लगभग 4 रुपए का होगा, दूसरा टारगेट वापस 4 रुपए का होगा। तो इस तरह से आप टारगेट यहाँ पे रख के भी ट्रेड कर सकते हैं। अब देखिए पहला स्टॉक मैंने आपको बताया, इसकी कैंडल सबसे छोटी है, इसी साइड में टाटा कंज्यूमर, यहाँ पे देखिए ये टाटा कंज्यूमर का चार्ट है, यहाँ पर देखिए कैंडल कितनी छोटी है, इसका जो लो लगा हुआ है वो है 540 का लो है, और जो हाई लगा हुआ है वो है 544.5 का, 4.5 रुपए का, यानी 1% से भी कम की कैंडल है ये। मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखिए जितनी छोटी कैंडल होगी उतना अच्छा आपको रिटर्न होगा, और आपका स्टॉप लॉस भी उतना कम होगा। और पहली बात क्या होगी, मान लो अगर स्टॉक ने 4% की पहली कैंडल बना ली, तो भाई वो दिन भर में शायद 4% की मूव करता है, और 4% की पहली कैंडल बन गई तो वहां पे हमारे लिए बचा क्या, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, 4% की तो पहली कैंडल में ही मूव हो चुकी है, तो उसको हमें दूर रहना है। सबसे छोटी परसेंटेज वाइज जो कैंडल बनी है उसको हमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए टाटा कंज्यूमर में बनी, टाटा कंज्यूमर ने ब्रेक कहाँ पे किया, यहाँ पे लगभग 1 बजे के लमसम में इसको ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद हमारा एसएल कहां पे लगेगा, ये एसएल नहीं होगा, अब हमारा एसएल ये होगा जो स्विंग लो, सॉरी स्विंग हाई, जो पिछला हाई लगा है वो हमारा एसएल होगा। तो यहां पे एसएल हमारा होगा 544 का, हमने ट्रेड लिया है 5.3980 के नीचे। तो यहाँ पे अगर नहीं समझ में आ रहा था, जैसे दो कैंडल हमारे इसके नीचे ब्रेक हो गई एक कैंडल, आप कैंडल के एक कैंडल या दो कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस को ट्रेल करके भी ला सकते हो, या फिर पहला टारगेट मैंने बताया कि 0.7 का, और फिर दूसरा वापस फिर 0.7 उसको प्लस कर दो उसमें, यानी पहला 0.7% का, दूसरा 1.5% का, ये स्टॉप ये आप
टारगेट रखो, यानी 5500 का स्टॉक है तो यहाँ पे आपको 4 रुपए, अगर मान लो 1000 का स्टॉक है तो पहला टारगेट 7 रुपए, फिर दूसरा टारगेट 14 रुपए, इस हिसाब से आप रख सकते हो। स्टॉप लॉस को ट्रेल करना यहाँ पे बहुत जरूरी है, ये चीजें आप ध्यान रखना, तभी आप यहाँ पे बड़ा मूवमेंट कैप्चर कर सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट पहले टारगेट पे कुछ ना कुछ क्वांटिटी हमेशा निकाल देनी चाहिए और स्टॉप लॉस को फिर ट्रेल करके आपको यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। चलिए मैं एक स्टॉक और दिखा रहा हूँ, टाटा केमिकल में भी यही सिचुएशन बनी है। अब टाटा केमिकल में यहाँ पे देखिए, टाटा केमिकल की यहाँ पे क्या है, 296 का इसने लो लगाया है, हाई इसने लगाया है 298 का, यानी 2 रुपए की कैंडल है। स्टॉक कितने का है, 300 का, तो यानी 1% से भी कम की कैंडल है। तो यहाँ पे देखिए 1% से कम के निकला, 298 के ऊपर निकला, यानी 298.10 पे हम ट्रेड करेंगे तो हमारा पहला टारगेट क्या होगा, लगभग स्टॉक का 0.7%, लगभग 2 रुपए। तो यहाँ पे ऑलरेडी इसने 2 रुपए के मूवमेंट ऑलरेडी कर दी, मतलब 3 रुपए 50 पैसे, और 3 रुपए 50 पैसे के पास ये कल भी घूमा था, तो ये भी हमें नजर बना के यहाँ पे रखनी पड़ती है। तो ये देखिए यहाँ पर भी हमें एक टारगेट यहाँ पे मिल के आया, लेकिन ये आइडियल सिचुएशन है। एक आइडियल सिचुएशन, सबसे अच्छी आइडियल सिचुएशन क्या होगी, अगर कोई कैंडल इस तरह से बनी हो। देखो स्टॉक समझाने के लिए बता रहा हूँ, उसको हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने पहले बताया है कि इस स्ट्रेटजी में हम 50 रुपए से नीचे का और 10,000 के ऊपर के स्टॉक्स को ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन समझाने के लिए बहुत अच्छी कैंडल बनी थी, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए हुडको, ये देखिए हुडको का स्टॉक्स है, यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये पहली कैंडल देखिए, यहाँ ये है, अगर इस साइड की कैंडल, इस तरह की कैंडल बन गई आपको, इस तरह की कैंडल किसी बड़े स्टॉक्स में, मतलब ये 30 रुपए वाले स्टॉक्स में नहीं, देखिए इस तरह की कितनी छोटी कैंडल बनी है और कितने अच्छे से यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है। इस तरह की कैंडल बन के अगर इस तरह से ट्रेड करते हुए रहते हैं तो 1-2 कैंडलों में ही आपका गेम ओवर हो जाता है, यानी 1-2 कैंडलों में ही जो हमें प्रॉफिट चाहिए होता है वो मिल जाता है। तो वो स्टॉक ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे जिनकी कैंडल छोटी होगी, और जिनकी कैंडल एक साथ एक सीध में बनती हुई जाएगी वो कभी भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करके आपको देंगे। यहाँ पे देखिए एक स्टॉक और, ये पीडी लाइट का है। देखिए पीडी लाइट में पहली कैंडल देखिए यहाँ पे बनी, पहली कैंडल कहाँ पे बनी, ये इसका लो जो है 380 का है, जो हाई लगा है 1390, देखिए इसका भी जो लो लगा है वो 1380 का है और इसका जो हाई लगा है वो 1394 का है, तो यानी 15 रुपए की कैंडल, लगभग 1% के आसपास की कैंडल ये भी बनी है, क्योंकि 1400 का स्टॉक है। तो देखिए 1% की कैंडल बनी 95 पे, इसने का हाई कितने का मारा, 8 का मारा, तो लगभग इसने भी हमें 1% का मूव तो बड़े आराम से इसने दे दिया है। ये स्ट्रेटजी थी जिससे मैंने अपने जॉब को क्विट किया, और एक स्ट्रेटजी और थी, तो दो स्ट्रेटजी के साथ में मैंने अपने जॉब को क्विट किया था। तो पहली स्ट्रेटजी मैंने आप लोग को बता दी, समझा दी, लेकिन चीजें कब समझ में आएंगी, जब आप कंटिन्यू इस पे प्रैक्टिस करोगे और मिनिमम 100 ट्रेड लेने के बाद ही आप डिसाइड कर पाओगे कि ये आपके लिए वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। दूसरी स्ट्रेटजी मैं आपको नेक्स्ट फ्राइडे को डालूंगा, तो उसको भी ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा, और शायद ये दो स्ट्रेटजी, देखिए सिर्फ स्ट्रेटजी से कुछ नहीं होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्ट्रेटजी से खाली कुछ नहीं होगा, इसके साथ में आपको रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, मनी मैनेजमेंट और इंतजार, सबसे बड़ी बात है ना, इंतजार करना पड़ता है। आप देखोगे तो इसको 10:45 है, लेकिन ट्रेड शायद 1:30 बजे मिलेगा, किसी में 12 बजे मिलेगा, किसी में 1 बजे मिलेगा, किसी में शायद 11 बजे भी ट्रेड मिल जाए, लेकिन इंतजार तो करना पड़ेगा ना। वो इंतजार वाला टाइम आपको यहाँ बहुत बोरिंग लगेगा, मार्केट आपको इंतजार करने नहीं देगा, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक उसी समय में ऊपर और नीचे हो रहे होंगे, तो आपको लग रहा होगा यार कि मैं तो गलत जगह पे आके बैठ गया, ये स्टॉक तो देखो यहाँ से 2% चला गया, मेरे देखते देखते 2% चला गया। तो स्ट्रेटजी पे आपको बैठना आना चाहिए, अपने सेटअप पे जब तक आपको बैठना नहीं आएगा, इस कंडीशन में आप पैसा स्टॉक मार्केट से 1 पैसा लेके आप जा नहीं सकते हो। तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि पहली कैंडल सबसे छोटी होनी चाहिए, स्टॉक सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास में नहीं होना चाहिए, 1.5% से कम का होना चाहिए, ये 1.5% से कम का होना चाहिए, और इसके बाद 5 कैंडलें होनी चाहिए, और जो स्टॉप लॉस बनेगा, स्टॉप लॉस में बहुत सारी कंफ्यूजन है, तो स्टॉप लॉस स्विंग लो बनेगा, अगर हम इसको बाइंग कर रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस ये नहीं, हमारा स्टॉप लॉस ये है जिसका स्टॉप लॉस स्विंग लो बनेगा। स्विंग लो के बाद में अगर स्टॉक्स ने हमारे लेवल को क्रॉस करके ऊपर क्लोज कर दिया है तो स्टॉप लॉस को फटाफट आप ट्रेल करते हुए चले जाओ, मोमेंटम बनना होगा, तो 1-2 कैंडलों में बहुत अच्छा मोमेंटम इस स्ट्रेटजी में मिल जाता है। नहीं तो अगर एक ही जगह पे कंटिन्यू 2-4 कैंडल बन गई है तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके रखो, या कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट मिल रहा है उस प्रॉफिट को लेके निकल जाओ। हमेशा इसका जो टारगेट होगा वो 0.7% पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट यहाँ पे 1.5% का होगा, तो 0.7 जब पहले मिलता है आपको तो वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए सोचो या फिर मोमेंटम को ट्रेड करो। जैसे जैसे एक्सपीरियंस आपको बढ़ेगा शायद इसके टारगेट भी आप धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हो, लेकिन पहले आपको एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, कंटिन्यू यहाँ पे ट्रेड करना पड़ेगा, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। दूसरी स्ट्रेटजी मैं नेक्स्ट फ्राइडे को डालूंगा, तो उसको भी देखिएगा। अगर ये स्ट्रेटजी आप लोग को पसंद आई है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे जरूर बताइएगा, और किस तरह की वीडियो मैं आप लोग को बनाऊं उस तरह वो भी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर आके बताते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जय हिंद।